बहू हमारी रजनीकांति शो की अगर हम बात करें तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। आपको पता होगा जिस तरीके से इस शो की स्टोरी थी ना, बहुत ही मुश्किल से ऐसी कोई स्टोरी डिसाइड कर पाता है। राइटर ने बहुत कुछ सोच समझ कर इस स्टोरी को बनाया होगा, इस स्टोरी को लिखा होगा, और यही वजह रही कि ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये शो सुपर डुपर हिट गया। यही वजह थी कि स्टार भारत पर ये शो लंबे टाइम तक चला, जितने भी टाइम तक चला ना काफ़ी अच्छी TRP लेकर आया, और यही वजह है कि सीजन 2 की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। एक बार फिर से रिपीट टेलीकास्ट चलाया जा रहा है इस शो का स्टार भारत पर, यही वजह है कि इस टाइम पर डिमांड इसकी और भी ज़्यादा हाई हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके से आपने देखा होगा इस शो के अंदर फन भी था, रोमांस भी था, और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी था। यही वजह है कि शो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। यूनिक कॉन्सेप्ट था, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर पहली बार कोई TV पर लेकर आया था। रोबोट पर बेस्ड था ये कैरेक्टर, लेकिन जिस तरीके से रजनी के कैरेक्टर को रिद्धिमा पंडित ने प्ले किया, शायद ही कोई और एक्ट्रेस प्ले कर पाई। यही वजह है कि सीजन 2 में भी रजनी के कैरेक्टर में फैंस को सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा पंडित ही चाहिए। और उनके अपोजिट जिस तरीके से ईशान का कैरेक्टर प्ले किया था करणवीर ग्रोवर ने, तो डेफिनेटली वही होने चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले हैं करणवीर ग्रोवर और किस तरीके से आएंगे रिद्धिमा पंडित। सीजन 2 में एक बार फिर से वही स्टार कास्ट लौट कर आने वाली है, ये खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं स्टोरी के अंदर, सो क्या कुछ चेंज होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सीजन 1 की जैसे अगर बात करी जाए तो वो अपने आप में ही पूरी तरीके से एकदम फिट था, हर एक कैरेक्टर अपने हिसाब से फिट था। सो ऐसे में चेंजेस होंगे सीजन 2 के अंदर, तो क्या चेंजेस होने वाले हैं ऐसे में ये तो उठता ही है। और सीजन 1 की स्टार कास्ट ही होने वाली है सीजन 2 के अंदर, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। कब आएगा सबसे बड़ा सवाल ये भी फैंस का होगा कि आखिर कब आएगा सीजन 2। तो आपको बता दें अभी इस बात को लेकर क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मेकर्स इस शो के सीजन 2 पर काम कर रहे हैं, और एक शो को प्रॉपर डेली शो के जरिए लेकर आने में TV पर काफ़ी टाइम लगता है, कुछ भी ऐसी प्लानिंग नहीं हो जाती है। सो इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आई हैं, और ये खबरों की माने तो डेफिनेटली अब आपको आने वाले कुछ 5-6 महीनों के अंदर, या फिर हो सकता है कि अगर प्लानिंग लंबे टाइम से चल रही है, खबरें अब सामने आ पाई हैं, रिवील अब हुआ है, तो हो सकता है आप नए साल पर भी देखने को मिल सकता है आपको। क्या कुछ आपका कहना कमेंट करके जरूर बताना, कितना एक्साइटेड है सीजन 2 के लिए जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।